रीवा जिले के जवा तहसील में डिजिटल इंडिया के सपने को विद्युत विभाग तार तार कर रहा है और अत्रेला में आए बेवजह बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कटौती के कारण लॉकडाउन में जहां एक ओर विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है तो दूसरी ओर किसानों को खेती करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाके में बिजली की कटौती होने से रात्रि में जहरीले जीव जंतुओं से कई बार जान की आफत भी झेलनी पड़ती है। इन सब समस्याओं से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि के सहारा लिया, जिसमें तरुणेंद्र द्विवेदी, अमित द्विवेदी व शंकरशरण पांडे ने मोर्चा संभाला और जनहित के लिए अपनी आवाज ऊंची की और विद्युत विभाग के विरुद्ध एसडीएम साहब को एसडीएम बी जवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का खुला विरोध किया। मृत्यु हो रही उसमें टकराने के कारण तो उसको बदला जाए, और जो बिजली विभाग के द्वारा मैसेज प्राप्त होता है, लाइन का जो गाइडलाइन तैयार होती है कि कितने बजे से कितने बजे तक बिजली रहेगी, तो यह तो आप लोगों पत्रकारों को मिल जाती है या कि जो मल्टीमीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको मिल गई, लेकिन आम किसान को इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों किसानों ने बिजली का कनेक्शन लिया है तो कनेक्शन लेते समय उनका मोबाइल नंबर फीड होता है, तो उसमें बिजली विभाग के द्वारा मैसेज की व्यवस्था कराई जाए और बिजली का एक बेहतरीन शेड्यूल बनाया जाए कि जिस समय बिजली रहना है तो फिर रहे, जिससे किसान अपने खेती का कार्य सही ढंग से कर सके और अपने जीने का भी शेड्यूल बनाए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा कोरोना की मार है, सबको घर में रहना है, खेती में काम करना है, तो घर में रहते वक्त अगर हवा नहीं मिलती है तो प्रकृति के द्वारा इतनी उमस है कि लोगों को जान निकल रही है, बाकी समस्याएं तो बहुत है और सारी समस्या सरकार को पता है, क्योंकि जब जनता के ऊपर शासन चलाती है तो उसको समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार अपने कदमों के द्वारा खुद लोगों का विश्वास खो रही है। जितने भी निजी संस्थान हैं उनमें सीएम भी हमारे एडमिट हो रहे हैं, सरकारी संस्थाओं में ना उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ना तो उनके मतलब जो मतलब उच्च वर्ग के कर्मचारी हैं या कि जीवन स्तर के रहन सहन रखने वाले लोग हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय और गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट स्कूल का खर्च वहन नहीं कर सकते। तो सरकार का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इसमें अगर आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हो तो एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लिए भी प्राइवेट अस्पताल की सुविधाएं प्रदान की जाएं, कम से कम शुल्क। जी धन्यवाद। हमारे यहाँ जब से कांग्रेस सरकार गई तब से यहाँ पर किसानों पर ये बढ़ती आपदा, ये कि ये बिजली गोल रहना, रोपा का समय, खेती सूखी जा रही है, तो आज ये किसानों की समस्याओं को हम लोग आए और कुछ हमारी मांगे हैं, जिसमें आज अतरैला क्षेत्र में बहुत बड़ा कांग्रेस द्वारा पारित हुआ था 132 केवी का पावर हाउस, काम भी चल रहा था, उसका काम भी चल रहा था, सरकार गिरते ही भाजपा द्वारा बंद करा दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि उसको तुरंत चालू कराया जाए। दूसरी मांग हमारी थी इस महामारी कोरोना में मजदूर किसान व्यापारियों का जितने बिल हैं 3 माह का पूरा माफ किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मर पूरे बल दे जाएं। चौथी मांग तराई क्षेत्र के जीर्ण बिजली के तार बदल कर नया लगाया जाए। पांचवी मांग हमारी तराई क्षेत्र के बिजली का बिल रीडिंग के हिसाब से लिया जाए। सर अभी आपने एक प्रश्न ये रखा कि जब से भाजपा सरकार आई तब से बिजली की समस्या बढ़ गई, तो ये भाजपा सरकार कारण ऐसा हो कि कर्मचारियों कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, सरकार और भाई सरकार जिसकी रहती है उसके कर्मचारी होते हैं। जी जी, हम कहते हैं यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, ये भाई एक बात कहना चाहते हैं पत्रकार महोदयों से कि जो जी महल में रहने वाला व्यक्ति जी जी झोपड़ी का दर्द कैसे जानेगा जी, यहाँ तो किसान बसता है जी जी, कोई महल वाला तो है नहीं यहाँ जी जी जी, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि महल से निकल के आए यहाँ पर जी विधायक जी और यहाँ किसानों की समस्याओं पर देखें क्या समस्या है और उसकी आवाज अपने सरकार को, मुख्यमंत्री को और ऊर्जा मंत्री को दें।
और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं करते तब क्या करेंगे आप? हमारा तो भाई विपक्ष में है, आंदोलन करेंगे, करते रहेंगे, भाई आवाज उठाएंगे किसानों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम त्रुणेंद्र द्विवेदी। किस पद में है आप यहाँ? मैं प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस। थैंक यू सर। जी आप? मैं डॉक्टर अरुणेन शेखर मिश्रा हूँ। जी जी, मैं यहाँ का वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ। जी जी, और यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता। जी जी, हमने हमेशा प्रयास किया है कि यहाँ एक अच्छा काम हो हमारे क्षेत्र में। जी, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जी जी, बहुत वर्षों से हम लोग प्रयास करते रहे हैं जी कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए। जी जी, क्योंकि बिजली जो है वो हमारे जीवन रेखा है। जी जी, यदि बिजली है तो सब कुछ है। जी, यहाँ तकरीबन अकाल की स्थिति है। जी, पानी बिल्कुल गिरा नहीं है। जी जी, और किसी तरह से खेती का जो कुछ इंतजाम किया किसानों ने वो पूरा नहीं हो पाया, धान सूख रही है। जी जी, और बिजली का हाल ये है कि एक आंख बिचौली करती है बिजली। जी, 5 मिनट रहती है, 15 मिनट रहती जी, नहीं जी, रहती, फिर 5 मिनट रहेगी, फिर 15 मिनट नहीं रहेगी। जी, ऐसा खेल तो कभी हुआ नहीं। जी जी, इतने वर्षों के हम लोग हो गए, जब से बिजली आई हम लोगों ने बिजली का ऐसा नाटक कभी नहीं देखा। तो ये भाजपा सरकार? बिल्कुल भाजपा सरकार का है, बिल्कुल भाजपा सरकार का है। जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। जी जी, हमारे यहाँ 132 केवी का अतरेला में एक बहुत बड़ा सब स्टेशन बनने का मंजूर हुआ। जी, उसका उद्घाटन हुआ इन्हीं भाजपा के समय में। जी जी जी, और उसमें बहुत तेजी से काम लगा था। जी, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। जी जी, सब टावर खड़े हो गए, पूरा सब स्टेशन काम हो गया। लेकिन जिस दिन से आदरणीय आ गए मामा जी, जी जी, उस दिन से सारा काम बंद हो गया है। जी जी, हमारे क्षेत्र का। जी, और कोई नहीं है, हम कांग्रेस की तरफ से हम लोगों को नियुक्त किया गया था। जी, हर सब स्टेशनों में। जी, कि आप वहाँ रहिए, वहाँ की बिलिंग विलिंग कराइए, सबसे आप पैसा दिलाइए, जो जहाँ जिनके बिल है, जिनको ज्यादा है, जिनकी कठिनाई है, उनको दूर करिए। कलेक्टर साहब ने एक समिति बनाई थी, मैं भी उसका एक मेंबर था। जी जी, हम लोगों ने बहुत मदद किया बिजली विभाग की। जी, और जी, इस तरह से बहुत सारे बिल जो बहुत पेंडिंग पड़े थे वो बिल तक जमा कराए, सारा जी, काम किया। जी जी, और हम लोगों की बात भी सुनी जाती थी। जी, यदि कोई बात, कोई दिक्कत हो बिजली की जी, तो जी, हम यहाँ से फोन कर दें तो वो मुख्यमंत्री तक जाता था। जी जी जी, आज कोई सुनने वाला नहीं। जी, और वो छद्म भेष में पड़े हैं। जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पता नहीं कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी पता नहीं। ये तो डॉक्टर ने उनको सिद्ध कर दिया, वो डॉक्टर तो उन्हीं के है ना। जी, उन्हीं का राज है, उन्हीं के डॉक्टर है। जी जी, रामायण का चिड़िया, रामायण का खेत, तो क्या करें। जी जी, तो इसलिए जी जी जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, और अब हम लोग इस स्थिति में हैं। जी, कि अब ये कोरोना का हम लोग पालन कर रहे हैं, इसमें परेशान हैं। जी, और अब हम लोग कुछ न मानेंगे, चाहे हम लोग को जेल जाना हो, चाहे जहाँ, अब हम लोग निकलेंगे रोड पर। जी जी, यदि राज्य शासन की और ये बिजली विभाग की यही व्यवस्था रही तो हम लोग रोड पर निकलेंगे, और जो कुछ जेल जाएंगे, मार खाएंगे, जो कुछ भी होगा हम लोग जी जी, सहने के लिए तैयार। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तब तो आप? क्या नाम सर आपका? डॉक्टर अरुणेन शेखर मिश्रा। किस पद में हैं आप यहाँ? मैं किसी पद में नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ वरिष्ठ। जी जी जी, और चुनाव अभियान समिति का यहाँ का मैं इंचार्ज था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं राम प्रभाव विश्वकर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन मंत्री के पद पर हूँ। जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया जी, वो मध्य प्रदेश सरकार के जी जी काले कारनामे के बदौलत। जी जी, आपकी जो वर्तमान की मध्य प्रदेश सरकार है जी जी, ये भाजपा किसान मजदूर गरीब विरोधी है। जी जी जी, और इसीलिए जानबूझ करके कर्मचारियों का दोष कम है बिजली विभाग के। जी जी, सबसे बड़ा दोष है बिजली मध्य प्रदेश सरकार का। जी, ये जानबूझ करके जो है बिजली को बाहर बेचते हैं जी, अपने निजी उपयोग में ज्यादा खपत करते हैं, और किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, मजदूरों को बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए हम सब कांग्रेसी मिलकर के आज ये धरना प्रदर्शन किया, माननीय SDM साहब को ज्ञापन दिया, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रोड पर आएगी, साथ में किसान मजदूर सब रहेंगे, और सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, यही मेरा कहना है। सर अभी आपने एक चीज ये कहा कि अगर बिजली नहीं आएगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन पुनः करेंगे। मान लीजिए अगर कांग्रेस सरकार होती, अगर यही समस्या बिजली होती, तब आप लोग क्या करते? अगर होती तो मैं करता, लेकिन कांग्रेस के समय पर नहीं थी समस्या। जी जी जी, बहुत कांग्रेस के समय पर नहीं थी, अगर होती तो करते हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? आज जो तराई अंचल में बिजली की समस्या बनी हुई है जी जी, उससे बहुत सारी 5 मांगों को, 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं SDM के नाम,
और हम आशा करते हैं कि उस पर मतलब कार्रवाई की जाएगी। जी जी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम सदैव अपने वरिष्ठों की अगुवाई में काम किए हैं, उनका मार्गदर्शन में काम किए हैं, उनके मार्गदर्शन में एक महीने का हम बिजली विभाग के अधिकारियों को देते हैं। अगर नहीं होता है तो हम बिजली विभाग के समक्ष अनशन प्रदर्शन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करेंगे। जी जी, क्या नाम लिखते हैं अपना? अमित कुमार द्विवेदी। आप किस पद में हैं? हम ITSL के प्रदेश महामंत्री।